व्हाट्सअप गाइस, कैसे सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पैल वर्ल्ड। तो आज के एपिसोड के अंदर हम फाइट करने वाले हैं लिली और लाइलेन से, और उसके साथ साथ ब्रीड करने वाले खतरनाक पैल्स को। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज के एपिसोड के अंदर। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, फटाफट से जाके सब्सक्राइब करो। सो लास्ट टाइम हमने गाइस बहुत सारी प्रोग्रेस करी थी, इवन हमारे 45 लेवल्स भी कंप्लीट हो चुके। हमारे पास बहुत सारे वेपन्स के साथ साथ बहुत खतरनाक वाला पैल भी हमारे पास आ चुका है, जिसको फाइट करने में लिटरली मेरे 2 से 3 दिन जा चुके थे। और गाइस उससे फाइट लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, मतलब उस बॉस को पकड़ना गाइस लिटरली बहुत ज्यादा हार्ड था। बट यार कैसे भी करके हमने उस फ्रोस्टेलियन को फाइनली पकड़ लिया है पिछले एपिसोड के अंदर ही। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आई बटन के अंदर वीडियो की लिंक दे रखी है, और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने लिंक दे रखी है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ओर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंडिंग कर रहे हैं ये लोग। इवन हमारे पास जो है ये वाली सिंगल शॉट स्पेयर लॉन्चर भी आ चुका है, जिससे भाई हम इजीली कोई भी पोकेमोन्स को पकड़ सकते हैं। अगर वो बहुत दूर भी होगा ना फिर भी हम पकड़ सकते हैं। चलो मैं आपसे लोग एज ए एग्जांपल के लिए ये दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर गाइस में कितना भी दूर से, अरे ये देखो सिंपली गाइस में बहुत दूर से इनको पकड़ सकता हूँ लिटरली, और ये पकड़ में भी आ गए भाई। तो ये बहुत सारी चीजें। चलो गाइस मैं आप सभी लोगों को आज की ब्रीडिंग फार्म की तरफ लेके चलता हूँ पहले तो, बिकॉज आज हमें भाई बहुत तगड़ी तरीके से ब्रीडिंग करनी है। तो अगर आप सभी लोगों को एक चीज नहीं पता है तो आप सभी लोगों को बता देता हूँ। तो अगर आप सभी लोग कमेंट करते हो, मुझे ब्रीड बताते हो, तो मैं आपके कमेंट शो करूंगा, और उसके साथ साथ आपने जो भी पैल बताया, जो भी ब्रीड बताया, वो ब्रीडिंग हम यहाँ पर करने वाले पैल वर्ल्ड के अंदर। तो जाके फटाफट से कमेंट करो गाइस, अगर आप सभी लोगों ने कमेंट नहीं किया है तो। तो अभी देखो यहाँ पर हमारे पास और भी चीज है। पहले हम दिखाएंगे यहाँ पर शैडो बिग को यहाँ पर कैसे बनाते हैं। शैडो बिग से पहले हम एस्ट्रॉन्ग को कैसे बनाते हैं वो चेक करेंगे। तो एस्ट्रॉन्ग को ब्रीड करने के लिए हमें 2 पोकेमोन चाहिए होंगे, एक मेल और एक फीमेल। तगड़ा वाला मेल चाहिए होगा, तगड़ा वाला फीमेल चाहिए होगा, तभी हम एस्ट्रॉन्ग को इजीली पकड़ सकते हैं। तो देखो एस्ट्रॉन्ग को पकड़ने के लिए हमें एक मेमोरिस की जरूरत पड़ती है, जो कि ठंड वाला मेमोरिस होना चाहिए। वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो मुझे एक से मिला था। इसको हम स्पॉन करते हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ हमें चाहिए सुजाकू, वो भी तगड़ा लेवल का सुजाकू चाहिए, ऐसा नॉर्मल चुट्टू मुट्टू नहीं चाहिए। तो हमारे पास अभी फिलहाल इतना अच्छा वाला सुजाकू तो नहीं है, तो जो सुजाकू है उससे हम काम करवाएंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर 2 पैल्स को छोड़ा है, ये वाला एक सुजाकू, तो इसको पिक करते हैं और इसको डालते हैं अभी ब्रीडिंग फार्म के अंदर। ये ब्रीड करेगा और उससे हमें मिलने वाला है एस्ट्रॉन्ग का एक, जो कि ड्रैगन एक मिलता है गाइस। छोटा मोटा अंडा नहीं मिलता भाई, ड्रैगन का एक मिलता है। तो आ जा भाई, इसको भी लेते हैं और फटाफट से वहां पर डाल देते हैं, जिससे इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और हमें यार एक केक भी बनाना पड़ेगा, केक भी यार क्रेक बनाने के लिए भी बहुत सारे नखरे पड़ते हैं। ये गया, यस इन दोनों की ब्रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये मेल और एक फीमेल मैंने दोनों को डाल दिया है, और आपसे लोगों को पता नहीं होगा मेल फीमेल कैसे चेक करा जाता है। तो देखो यहाँ पर जैसे आप देखोगे ना, तो यहाँ पर मार्क आता है, ये फीमेल है, और मेल या फीमेल पता नहीं, ऐसे चलता नहीं तो मेल फीमेल होता है। तो यहाँ पर हमें केक डालना पड़ता है, वो केक भी हमें यहाँ पर इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो देखो मेरे पास अभी बहुत सारी चीजें, लिटरली बहुत सारी चीजें। तो गाइस ये देखो मेरे पास एक डायमंड भी है, और ये डायमंड मुझे प्रोस्टेलियन को मारने से मिला था भाई, बहुत ज्यादा रेयर ही है। और भाई एक मिनट, चलो एक काम करते हैं, एक मर्चेंट को स्पॉन करते हैं यहाँ पर। मेरे पास एक मर्चेंट, वंडरिंग मर्चेंट, इसको स्पॉन करते हैं, जिससे मैं इससे डील कर सकूं। चल भाई आ जा मेरे साथ बात कर। अरे कहाँ जा रहा है, इससे चीजें शेयर करने, वहां भाग रहा है भाई ये। ठीक है, तो इसको मैं प्रीशियस एंट्रेल्स देने वाला हूँ बहुत सारे, और उसके साथ साथ मैं इसको डायमंड भी देने वाला हूँ। डायमंड 6000 में सेल हो रहा है, इवन प्रीशियस एंट्रेंस यहाँ पर 11900 में सेल हो रहा है। बट गाइस हमारे पास अच्छे खासे पैसे आ चुके हैं, अभी 79000 मेरे पास कॉइन्स आ चुके हैं। लिटरली एक टाइम था मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचते थे, बट अभी हमारे पास बहुत सारे पैसे आ चुके। मुझे केक बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए एक बार चेक करता हूँ, उसके बाद आपसे लोगों को बताता हूँ। केक बनाने के लिए हमारे पास एग नहीं है, तो एग हमें चाहिए होगा, और मुझे पता है एक कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा एक। और हमारे पास बहुत सारे पैसे भी है, तो डायरेक्टली एग बाय करते हैं। तो ये वाला एग भी सेल करता है, यस, और इससे मैं लगभग, अरे यार बहुत सारा पैसा लेता है भाई ये भी। तो यहाँ पर मैंने 101 एग लिया है भाई, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। और भाई हमारा प्रोस्टेलियन भाई आराम ही कर रहा है, ठंडी दे रहा है भाई, उससे भाई ये खराब होने से पहले फटाफट से ना यहाँ पर केक बनवाने के लिए रगा देता हूँ मैं।
तो देखो यहाँ पर मैं बना सकता हूँ लगभग 12 केक अभी के अभी। और यहाँ पर ये हमारा इग्नाइस यहाँ पर काम करेगा यस काम करेगा। तो ये बनाएगा हमारे लिए केक और ये बहुत जल्दी जल्दी केक बनाता है। चलते अभी फटाफट से थोड़ा बहुत जो है इस वाले सपेरे को लेके आते हैं। चलो यहाँ पर मैंने अपने पूरे के पूरे पैल्स ले लिए, अभी चलते फटाफट से थोड़ा बहुत टेलीपोर्ट करते हैं। मे बी शायद से हमें जो ये वाला पोकेमोन है ना मे बी यहाँ पर मिला था शायद से इस जगह पे। तो यहाँ पर नियरेस्ट स्पॉन पॉइंट यहाँ पर है, तो फटाफट से चलते इस जगह पे। इवन हमारे पास पैल्स फिर की कमी बिल्कुल भी नहीं है, एमोस की भी कमी नहीं है बिल्कुल भी। तो आज हम भाई इसको पकड़ के लेके आएंगे और हमारे पास वैसे भी बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, छोड़ो अम्मा अम्मा छोड़ो। अरे उतर इससे भाई, ये मार देगा भाई। क्या गर्मी बढ़ गई थी मेरे पास। अरे बाप रे, ये पहनाए फिर भी इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी मेरी। एक सेकेंड, हीट रेजिस्टेंस आर्मर प्लीज। अब यहाँ पर मैं पहन सकता हूँ इसको। बाप रे, मेरी हेल्थ देखो गाइस आधी से ज्यादा कम हो गई। यहाँ पर गर्मी पहले से ज्यादा है, यहाँ पर मैं पोकेमोन गलत पकड़ रहा हूँ, तो होना ही था भाई ये। तो गाइस ये देखो यहाँ पर सामने की तरफ है ना, हमें एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख जाता है। यहाँ पर ही हमें मिलते हैं खतरनाक तरीके के बॉस। और अभी देखो मेरी यहाँ पर जो है हेल्थ बार कम भी हो गया, तो हम यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर ना ही हीट मिलेगी, ना ही ठंड मिलेगी, ना ही गर्मी मिलेगी। तो मैं यहाँ पर रिफाइंड मेटल आर्मर यूज करने वाला हूँ, जिसकी एबिलिटीज थोड़ी बहुत डिफेंस वगैरह थोड़ा बहुत जो अच्छा है। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से पोकेमोन है। ओके, यहाँ पर हमारे पास और एक ये पोकेमोन दिखाई दे रहा है, बट उसकी जगह और एक पोकेमोन होना चाहिए भाई यहाँ पर। ओ यहाँ पर देखो, यहाँ पर वॉम्पो बॉटम भी है और कोई दूसरा पोकेमोन नहीं दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। इसको धरते हैं, डैमेज इतना कम क्यों आ रहा है। अब आया बड़ा मजा। चलो नहीं, ओहो इसको तो निपट लिया भाई इसने तो। हिटमैन, अरे यार उसको पकड़ना था भाई मुझे, ये खतरनाक देगा। छे भाई ये बॉसेस बहुत ज्यादा खतरनाक होते हुए, लिटरली बहुत ज्यादा खतरनाक। अरे यार मैं मार दे रहा हूँ भाई लिटरली, ठीक है। रिंग ऑफ मेर्सी नहीं पहना है मैंने, दैट्स व्हाई ये मर जा रहे हैं यहाँ पर ही। शेट यार, मेरे दो पोकेमोन मर चुके हैं यहाँ पर। चलो वहां पर एक स्पॉन हो गया, बहुत बढ़िया। पर यहाँ पर भी एक है, ज्यादा डैमेज पड़, इसको डैमेज नहीं पड़ेगा ज्यादा, अब डैमेज नहीं पड़ने वाला इसको। शिट यार पीछा करता है ये। मेरा बॉस मरने वाला है, मतलब मेरा पैल मरने वाला है। चेंज करते हैं, वाह बक पकड़ते हैं। अरे नहीं, अरे भाई ये कमबक भाई क्या खतरनाक सा है, ये मेरा बॉल भी वेस्ट करवा दिया इसने। बेकार, मारो इसको और मारो, ज्यादा नहीं मारना है ठीक है। बहुत बढ़िया बस। अरे नहीं भाई, ये मारे जा रहा है यार सबको। हिटमैन भाई ऐसा मत कर यार तू, प्लीज इसको एटलीस्ट पकड़ ले एक बार, मार। बहुत बढ़िया। अरे नहीं, गया मेरी एचपी भी गई। तू आ जा, तू भी बंद हो जा, अंदर में आ जा, जल रहा है वो, आ जा। ट्राई करते लेने की, नहीं आएगा तो अभी अल्ट्रा स्पेयर डालूंगा। अल्ट्रा स्पेयर में तो ईजी आ जाएगा, ये स्पेयर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल। अरे भाई अल्ट्रा स्पेयर वेस्ट करवा दिया मेरा, आ जाना। चलो अभी इसकी एचपी मैंने लगभग एक कर दी है, एक एचपी कर दी है, फिर भी ये मेरे बॉल वेस्ट करवा के ही मानेगा। देख रहे हो, बॉल पूरे वेस्ट करवाएगा, लास्ट बॉल के अंदर आएगा ये। चलो अल्ट्रा स्पेयर यूज करते हैं, 8% चांसेस है, अभी तो आना ही चाहिए भाई कैसे भी करके। अल्ट्रा स्पेयर वेस्ट करवा दिया मेरा दो बार, आ जाना। कितना ताकत है तेरे पास, सीरियसली 8% चांसेस है फिर भी। अब इससे मारते हैं। अरे यार ये बहुत ज्यादा स्पेयर वेस्ट करवा रहा है। अरे नहीं, अरे कमबख्त आ जाना भाई, आ गया। चलो बहुत बढ़िया, फाइनली हमारे पास पैल आ चुका है, बहुत तगड़ा वाला। मस्केल भाई, मस्केल ये वो सांप नहीं दिखाई दे रहा भाई, यहाँ पर ही मिलता था वो सांप, मुझे लगभग इतना याद है कि वो सांप यहाँ पर ही मिलता था, बट अभी दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं, मे भी शायद से मैं दूसरी जगह पे जाके फिर से आऊंगा तो मे भी हो सकता है ये बढ़ गया ना। अरे यार यहाँ पर वो बंदे भी है भाई, उनके सामने मैं चेस्ट लूट रहा हूँ। ये देखो ये वाला, यस यही हमें चाहिए। इसके लिए मैं बुलाने वाला हूँ स्पेशल फ्रोस्टेलियन को, बिकॉज फ्रोस्टेलियन बहुत तगड़ा डैमेज देगी इसको। उतरते हैं और इसको स्पॉन करते हैं। कहाँ गया ये, अरे किधर गया, व्हाट द हैक। अच्छा यहाँ पर पीछे के साइड, चलो इसको देखते हैं यहाँ पर, जा इसको मार। ओहो हो, आ जा भाई आ जा। ओए काम तेरा, बॉल वेस्ट करवा दी मेरी। अरे नहीं, आ जाएगा। नहीं बॉल वेस्ट करवा रही है बस। सीरियसली गाइस इतना ज्यादा खतरनाक हो चुकी है ये पैल्स कि यहाँ पर हमारे बॉल स्पेयर वगैरह खराब कर रहे भाई। चला आ गया। सो हमारे पास फाइनली और एक इग्नाइस आ चुका है, जॉर्मेंटल जो भी इसका नाम होगा, बट हमारे पास फाइनली वो इग्नाइस भी आ चुका है। हमने अभी तक बहुत सारे बॉसेस को अभी तक मारा भी नहीं है, नॉर्मल बॉसेस 30-30 लेवल 31 लेवल्स के, बहुत कम बॉसेस है।
इनको अभी तक हमने मारा नहीं है। और ये कौन है? ब्लैजमूट। मे भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक वाला बॉस है, देखते हैं। बट हमारे पास फाइनली ये दो तीन पोकेमोन आ चुके हैं, मतलब पैल्स आ चुके हैं, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। चलो सुबह हो गई, उठो 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 गाइस, उठो, चलो उठो। तो फाइनली हमारे पास एक अंडा आ चुका है, वो भी ड्रैगन वाला अंडा है। ब्लैक डार्क दिखता है बट एक्चुअली ड्रैगन वाला अंडा है। यहाँ पर ह्यूज ड्रैगन एग आ चुका है। अब यहाँ पर मैं इसको डालता हूँ और डायरेक्टली इक्विप करते यहाँ पर। और फाइनली हमारे पास आ चुका है स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर हमें मिल जाता है स्ट्रॉन्ग होल्ड स्ट्रेटेजीज, तो ये बहुत बढ़िया है। और ये भी आ जाते यार बक। और ये क्यों पहनता हूँ मैं? ये देखो किससे पंगा ले रहा है, पता है क्या तुझे? पुकट के कॉइन्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक एस्ट्रॉज भी आ चुका है। इवन यहाँ पर हम शैडो बिग को भी बना सकते हैं। शैडो बिग के लिए हमें चाहिए होता है एक एस्ट्रॉन्ग, एस्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। एस्ट्रॉन्ग तो शायद से मैंने ब्रीड कर लिया अभी। ये एस्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। एस्ट्रॉन्ग में से एक बढ़िया वाला मैं लेने वाला हूँ यहाँ पर, जिसकी एबिलिटीज बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो देखो यहाँ पर मसल हेड भी है, इवन लो लॉन्जिंग फोरमैन भी है, माइन फोरमैन। ये क्या क्या चीज़ है भाई इसके अंदर? इंक्लियस प्लेयर माइनिंग, नहीं माइनिंग वाइनिंग नहीं पढ़ा। नहीं ये क्या है? इफिशियंसी 25%। ये मसल हेड बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मसल हेड होना चाहिए बिकॉज इससे हमारे पैल की ताकत बढ़ जाती है, अटैक बढ़ जाता है। यहाँ पर भी एक है, नहीं इसके भी लेवल ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्सेस भी है, इसके अंदर 20% अटैक स्पीड अटैक बढ़ जाता है। तो एक काम करते हैं, फोर्सेस को स्पॉन करते हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ हमें एक वॉर मिला था ना, उसको भी स्पॉन करते हैं। तू आ जा और इसको बाहर करवाते हैं। चलो तेरा काम हो चुका है, तू जा सकता है, फ्री माइंडेड हो सकता है। स्टॉप ब्रीडिंग, यस। इसको भी निकालते हैं। शैडा में सुजा को क्या अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसको निकालते हैं। अभी हमारे पास जो है एस्ट्रॉन्ग है, और इस एस्ट्रॉन्ग की लेवल्स अच्छी खासी है। ये देखो यहाँ पर मसल हेड चाहिए हमें, तो ये फीमेल है, और मे भी शायद से दूसरा एस्ट्रॉन्ग मेल होना चाहिए। ये भी फीमेल ही है, इवन ये भी फीमेल है। अरे यार ये दोनों फीमेल है भाई। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है, यहाँ पर हमारे 45 लेवल्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिससे हमारे पास लीजेंडरी स्पेयर भी अनलॉक हो चुका है। एसॉल्ट राइफल के साथ साथ उसकी एमओ भी अनलॉक हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। इलेक्ट्रिक फर्नेस भी हमारी चीज़ें अनलॉक हो चुकी है। अच्छा ठीक है, हाइपर शील्ड भी हमारी अनलॉक हो चुकी है, इसको भी अनलॉक कर लेंगे। और ये क्या है? सैडल ही इसके अंदर भी, और आयरन गेट्स भी है। इवन प्रोडक्शन लाइन 2 भी हमारी बन चुकी है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक किचन भी हमारे पास बन चुका है, ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। और उसके साथ साथ सैडल भी बना लेंगे सुजाकू की। ये सुजाकू की सैडल बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। और उसके साथ साथ यहाँ पर माउंट मशीन गन भी हमारे पास आ जाएगी, और रिफाइंड मेटल चेस्ट, ये बहुत ज़्यादा काम वाली चीज़ है। इसको अनलॉक करते पहले, और एक सेकेंड, अगर मैं थोड़े बहुत आगे में जाऊँ, 46 लेवल मेरी कंप्लीट हो जाती है, तो हमारे पास पायल मेटल आर्मर भी आ जाएगा, जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक है। इसके अंदर डिफेंस हमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है नॉर्मल पायल के हिसाब से, तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा। तो ये देखो हमारे पास एसॉल्ट राइफल है, और हम इस एसॉल्ट राइफल को बना सकते हैं। इसके लिए मे भी शायद से हमें कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं लगने वाली, मे भी। तो देखते हैं यहाँ पर एसॉल्ट राइफल बना सकते हैं या नहीं। ऑफकोर्स एसॉल्ट राइफल बना सकते हैं। इवन एसॉल्ट राइफल की एमओ बनाने के लिए हमें चाहिए होगा रिफाइंड इनगट, और उसके साथ साथ गन पाउडर। गन पाउडर हमारे पास 50 पड़ा है, तो हमारे पास कोई ज़्यादा कमी नहीं होने वाली है। तो फटाफट से एसॉल्ट राइफल को बनाते हैं, और उसके साथ साथ पहले मैं अपने अनुबिस को यहाँ पर स्पॉन करवा देता। अनुबिस यहाँ पर जो है हमारे लिए अगले आदमी, यहाँ पर ग्राइंड करना, ये ले असेंबली लाइन पे जा, बना इसको। तो ये बना के दे देगा हमें एसॉल्ट राइफल, और एसॉल्ट राइफल बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है, बिकॉज यहाँ पर लोडिंग का टाइम नहीं खाएगा, ये लिटरली नहीं खाएगा, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। चलो फाइनली हमारे पास एसॉल्ट राइफल आ चुकी है, और मे बी इसकी गोलियां भी हम बना सकते हैं। एसॉल्ट राइफल के लिए एसॉल्ट राइफल एमओ ही लगती है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। एसॉल्ट राइफल एमओ चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एट द टाइम 5 बना सकते हैं हम, टोटल 25 बनाने के लिए लगा देते हैं यहाँ पर। तो मे बी 125 हमारे पास गोलियां आ जाएगी, तो अगर मैं इसको हेल्प करता रहेगा। तो यहाँ पर शायद से इन लोगों ने ब्रीडिंग भी कंप्लीट कर दी होगी, नहीं अभी तक नहीं किया है। यस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो हमारे पास एक किट्सु भी आ जाएगा, जिससे हम खतरनाक वाला शैडो बिग भी ब्रीड कर सकते हैं। हमारे पास अंडा आ चुका है, मे बी शायद से नॉर्मल एग ही है, स्कॉच एग, यस लार्ज स्कॉच एग है। हमारे पास 2 लार्ज स्कॉच एग आ चुके हैं, इसको भी खोलते हैं। अरे विक्सन मिला है यहाँ से, और इसको डालते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर किट्सुन। और ये किट्सुन कौन है, मेल या फीमेल है, वो चेक करते हैं। चलो फटाफट से पैल बॉक्स के अंदर देखते हैं, यहाँ पर हमें पता चलेगा।
तो हमारे पास कित्सुन आ चुका है जो कि है मेल। यस फाइनली तो मेल आ चुका है। इसके अंदर हमें कोई एबिलिटीज मिली है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी एक भी एबिलिटी नहीं मिली है। मसल लेट तो दूर की बात, एक भी एबिलिटी नहीं मिली है। तो मे भी शायद से हमें और एक बार यहाँ पर जो इसको ब्रीड करवाना पड़ेगा, और मे भी शायद से हम रिफाइन इनगट बना सकते हैं बिकॉज हमारे पास थाउजेंड से आ चुके हैं, बट इसके लिए हमारे पास कोल नहीं ना। इसे कोल लेके आते हैं हमारे दूसरे बेस से, तो यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं कोल अपने बेस की तरफ, वहां पर हमें कोल भी मिल जाएगा। बट इन लोगों ने ग्राइंड किया है नहीं किया है मुझे एक्चुअली नहीं पता है। चलो कोल तो आ चुका है यहाँ पर, तो हमारे पास टोटल 587 ओर्स आ चुके हैं, 224 कोल आ चुका है, तो ये बहुत कम है। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है इन लोगों ने यहाँ पर किया है, चलो बहुत बढ़िया, एटलीस्ट ग्राइंड तो कर रहे कुछ। और उसके साथ साथ यहाँ पर जीरो है, और इवन ये भी बुशी भी काम कर रहा है, तो थोड़ी बहुत मदद इनके हम कर देते हैं। चलो गाइस इन लोगों ने बहुत सारा कोल, मतलब सारा ही कोल निकाल लिया है, अब फटाफट से सारा कोल निकालते हैं। और देखो मेरे पास 524 भाई यहाँ पर आ चुके हैं कोल। ये गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक सी माइनिंग करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके, हाई लेवल की माइनिंग करते हैं ये। और अभी हमें बहुत सारी चीज़ें भी करनी है जैसे कि आपसे लोगों ऑलरेडी पता है। तो अभी फटाफट से यहाँ पर मैं पैल्सफेयर बनाने के लिए लगा देता, पैल्सफेयर ने इन्फाना ये इनगट्स वगैरह, तो 262 यहाँ पर बन जाएंगे इजीली। टाइम तो लगता है गाइस, ऐसे नहीं टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है, बट ये देखो बहुत इजीली यहाँ पर जो ग्राइंडिंग कर लेता है मैक्स लेवल का ये, दैट्स वाई हम जाने वाले एक टावर के पास। तो देखो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टावर थे गाइस जिसके अंदर बॉस फाइट होती है, जिसमें से हमने एक बॉस टावर से फाइट तो की थी, बट उसके बाद हमने कोई भी बॉस टावर के अंदर कदम नहीं रखा है या फिर उनसे फाइट नहीं करी है। तो देखो यहाँ पर जो एक और एक बॉस फाइट होने वाली है आज के एपिसोड के अंदर, तो ये बहुत ज्यादा पास में, इसकी तरफ टेलीपोर्ट मारते हैं। हमारे पास सारे पैल्स भी अवेलेबल है, बस ठंड ना बजे यहाँ पर, नहीं बजेगा भाई बिल्कुल नहीं बजेगा। एक काम कर लेते हैं, वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं यार, ठीक है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो फटाफट से उस जगह पे, वहाँ पर हमें मिलने वाला है वो खतरनाक वाला बॉस, ट्राई करेंगे को पकड़ने की, वैसे पकड़ तो नहीं सकते बट था, ठीक है कोई ना। चलो ये वाला फ्री पैर अलायंस टावर यहाँ पर हम आ चुके हैं, और यहाँ से हम पकड़ने वाले हैं एक खतरनाक बॉस को। तो फटाफट से इस बॉस के अंदर फाइट लेते हैं, बॉस फाइट लिटरली मजा आने वाला है। और मैंने आर्मर नहीं चेंज किया, अरे भाई आर्मर नहीं चेंज किया मैंने, ट्रेलर अमेजिंग नंगू पंगू। अबे ऐसा वाइब्रेशन क्यों हो रहा है? इसका बॉस देखना है मुझे कौन है। ओ शायद से मैंने इससे फाइट करी ऑलरेडी, नहीं क्यूट भाई बट एटीट्यूड भी है ठीक है खतरनाक लिली और लाइल। तो हमें इन दोनों से फाइट करनी है, मतलब एक से फाइट करनी है, इन दोनों से नहीं होती। इसको पहनते हैं, नहीं दो मिनट रुक जा मुझे चेक करने दे। अब अनुबिस से लड़, 69,000 की हेल्थ है गाइस इसकी, और अनुबिस ने फिर छेड़ दिया भाई इसको, हम भी छेड़ेंगे। अनुबिस तो पहल रहा है भाई बहुत तगड़ा, खतरनाक। ऐसे नहीं कि अनुबिस बहुत खतरनाक डैमेज नहीं देता, बट डैमेज इजीली दे देता है ये, बहुत बढ़िया मार खा रहा है ये। जा प्रोस्टेशन दिखा दे तेरा जलवा, 3,000 का डैमेज, ये जोक था? एक काम करते हैं आग वाला ट्राई करके देखता हूँ, आग वाला शायद से इसको ज्यादा डैमेज देगा। ओरे भाई ये वाला डैमेज इसका खतरनाक सा है, यस आग वाला डैमेज इसको ज्यादा देगा। चलो बहुत बढ़िया, आग वाला तो भाई खतरनाक सा डैमेज दे रहा है, आग भी लग गई इसको बहुत बढ़िया, आधी है तो ऐसे ही हो जाएगी इसकी। और वैसे हमारा पैल भाई बहुत ज्यादा खतरनाक सा डैमेज देता है, ये तो बोलो ही मत, इसको डैमेज की तो वाह वाह करनी, कितनी भी वाह वाह कर लो बहुत अमेजिंग ही है। और इससे अच्छा मैं अपनी पुरानी वाली ये निकाल लेता हूँ, ये मसल, इसमें ज्यादा गोलियां भी है बट इसको डैमेज मतलब लोड होने का बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लोड नहीं होता ये। शेट मेरी उड़ा दी इसने, 1,100 का डैमेज, नहीं गया मेरी शील्ड, मेरा पैल भी मरने वाला है। उससे अच्छा मैं यहाँ वाला चूज कर लेता हूँ फिलहाल, टेम्पररी मार, 3,000 का डैमेज गाइस, 3,000 जमा दिया उसको बहुत बढ़िया। ये वाला भी 4,000 का डैमेज, सीरियसली मैन तुम इतना ज्यादा डैमेज दे देते हो कभी कभार, बट इसको पकड़ नहीं सकते वो एक बड़ी बात होती है। उससे अच्छा हम डायरेक्टली इससे फाइट करते हैं, इनको पकड़ नहीं सकते हम, ये वाला सीन निकाल दिया इन लोगों ने यहाँ से, मार दे इजीली मार सकते मुझे पता है तू, यार ये मरने वाली अभी, मर गई। अमेजिंग अमेजिंग गाइस अमेजिंग, हमें इससे सिविलाइजेशन पार्ट भी मिल चुका है, इवन हमने डायरेक्ट टेलीपोर्ट हो गए, वाह चलो कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनली हमने इस बॉस को भी मार दिया, इजी था मारना, कुछ था भी नहीं यार मारने के लिए। देखते हैं यहाँ पर असेंबली लाइन 2 बना सकते हैं या नहीं,
यस, प्रोडक्शन असेंबली लाइन 2 बना सकते हैं हम। इसके लिए हमें सर्किट बोर्ड चाहिए, नेल चाहिए, रिफाइन इनवर्टर चाहिए, सारी चीजें अवेलेबल है। ये वाली असेंबली लाइन हमारे कुछ भी काम नहीं आने वाली अभी, तो इसको हम तोड़ देने वाले हैं। ये असेंबली लाइन है ना, चलो इसको निकालते हैं, जिससे हमें थोड़े बहुत इनवर्ट्स और इवन हमें बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। बट यार भर जाता ना, वही दिक्कत है। फाइनली मैं थोड़ा बहुत खाली हो चुका, थोड़ा सा रिलैक्स फ्री कर रहा हूँ, और अभी फटाफट से उस जगह पे चलते हैं और प्रोडक्शन असेंबली लाइट 2 को बनाते हैं, जो कि भाई वो भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, बस उसके अंदर पैल्स वगैरह ज़्यादा लगा सकते हैं। ये देखो, ये रही हमारी पैल्स पेयर असेंबली लाइन 2। पैल्स पेयर असेंबली लाइन 2 नहीं आ रहा है, ये हमारी प्रोडक्शन असेंबली लाइन है, और इसको लगाना उतना ही ज़्यादा हार्ड है जितना ये लग रहा है, उस तरीके से लगा सकते हैं हम। तो इसके स्टैंड्स हमें ऐसे लगाने हैं कि ये सेंटर में आ जाए, मे बी इस तरीके से चेक करते हैं। यस, ये तो परफेक्ट लग चुका है। अरे परफेक्ट है भाई, परफेक्ट है। आ जाए इधर अनुबिस, बना फटाफट से। सारे लोग सो रहे फटाफट से, मैं भी सो के आता हूँ, जिससे ये उठ के फटाफट से काम करना शुरू कर दे। ठीक है, तो इन लोगों ने शायद से बना लिया होगा अभी प्रोडक्शन असेंबली लाइन 2 में भी। यस, बना लिया है। ये देखो सिमिलर है, बस ग्रीन कलर का दिखाई देता है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अनलॉक हो चुकी है? गीगा शील्ड। ओ भाई साहब, फाइनली हमारे पास एक गीगा शील्ड भी आ जाएगी अभी। चलो इसको बनाते हैं, लगा देते हैं प्रोडक्शन के लिए। गीगा शील्ड हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली गाइस, ऐसे नहीं कि हमारे काम नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलो यहाँ पर और एक अंडा आ चुका है, इसको देखते हैं यहाँ पर फटाफट से। अगर हमें एक में मिल गया तो बाकी केक हमारे काम आ जाएंगे। तो इसको इंक्यूबेट करते हैं, और ये भी किट्सुन बॉनी मिला है। ठीक है, चेक करते हैं यहाँ पर हमें मेल मिला है या फिर फीमेल मिला है, और उसके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए बस, प्लीज़ प्लीज़ वो एबिलिटी होनी चाहिए। नहीं, वो फीमेल ही मिला है भाई, और एबिलिटी भी नहीं मिली है। तो इन लोगों ने शायद से बना लिया। फाइनली हमारे पास आ चुकी है गीगा द शील्ड, हमारे पास डिफेंस तगड़ा होने वाला। अभी ये हो गया हमारा डिफेंस तगड़ा, मजा भाई, मजा आएगा अभी खेलने में, मजा आएगा लिटरली भाई। सो गाइस, यो वीडियो गाइस, फाइनली सुबह हो चुकी है और इन लोगों ने अंडा दिया है, नहीं दिया है भाई, ये लोग सुधरेंगे नहीं। तो अभी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा। तो हमारे पास शैडो बिग भी आ जाएगा इजीली, तो मे बी इन लोगों ने काम कर दिया है, चल रहा है। ये तो बस उंगलियां घुमाता है भाई। लीजेंडरी स्पेयर भी बना सकते, बट इसके लिए पैल मेटल इनगट चाहिए। पैल मेटल इनगट शायद से हमारे नए वाले फर्निस के अंदर बनेगा। तो एक मिनट चेक करते हैं उसकी रेसिपी भी। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फर्नेस को बनाने के लिए एक किचन भी बना सकते हैं हम, सर्किट बोर्ड चाहिए इसके लिए। अरे हाँ, इलेक्ट्रिक फर्नेस के लिए सर्किट बोर्ड चाहिए होगा डेफिनेटली। तो हमें इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड बनाने के लिए क्रिस्टल चाहिए होगा, बिकॉज मेरे पास क्रिस्टल ही अवेलेबल नहीं है। तो ये जो अंडा दे दिया इन लोगों ने, बहुत बढ़िया। तो मे बी ये शायद से डार्क एग होगा। कौन सा एग है? डार्क एग बोला ना मैं, डार्क एग। तो इससे हमें मिलने वाला है शैडो बी, और प्लीज गाइस, प्लीज प्लीज गॉड प्लीज, अच्छा मिल जाए, मोटिवेट लीडर मिला है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने जो है फेरेस्टियस, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर इसके अंदर मसल हेड भी लगाया है, जिससे इसका डैमेज बढ़ जाएगा। बट ये मिलेगा नहीं जल्दी, मुझे पता है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इसके लिए। तो हमें हमारे पास फाइनली आ चुका है एक शैडो बिक। ये रहा हमारा शैडो बिक, जिसके अंदर मोटिवेशनल लीडर का स्किल, पैसिव स्किल हमें इसके अंदर मिल जाता है। रिफाइंड मेटल चेस भी बना सकते हैं हम, चलो बहुत बढ़िया, एक चेस तो बना ही लेते हैं। मुझे एक सामने की तरफ एक रिफाइंड चेस रखनी है, मुझे यहाँ पर बनानी चाहिए इस जगह पे। चलो एक चेस मैंने यहाँ पर बना ली है, कोई आएगा इसको बनाने के लिए? आ जाए अनुबिस। ये वाली चेस बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है, और स्पेशली मैं इसको यहाँ पर इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज मैं अपने सारे सामान यहाँ पर रख सकूँ, बिकॉज सामान रखने के लिए जगह ही नहीं बची यार। और मेटल चेस्ट वगैरह में जितने भी चीज़ें हैं इनको स्क्रैप के अंदर डाल देते हैं। मेटल एक्स डालो, स्क्रैप करते हैं। और हमारे पास शायद से एक मेटल की पिकैक्सी, यस ये वाली, इसको भी स्क्रैप करते हैं, जिससे हमारे थोड़ी बहुत चीज़ें की स्टोरेज बढ़ जाएगी और वेट भी कम हो जाएगा। तो देखो हमें है ना बहुत सारे चीज़ें फाइंड करनी है, इनको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इवन आर्मर भी मैं रिफाइंड मेटल वाला यहाँ पर रखता हूँ, वैसे भी यहाँ पर रखो। इवन मैं थोड़ा सा एक खाना लेके जाने वाला हूँ, जितना हमें खाना चाहिए, या फिर पूरा ही रख दो। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा बहुत क्रिस्टल ग्राइंड करने के लिए, बिकॉज हमें बनाने हैं सर्किट बोर्ड्स। तो सर्किट बोर्ड्स हमें यहाँ पर मिलने वाले, कहाँ पर मिलते थे सर्किट बोर्ड्स? शायद से यहाँ पर मिलते थे, इस जगह पे सर्किट बोर्ड मिलते थे, मुझे लगभग इतना याद है। नीचे के साइड में मिलते वो भी? अरे यार ये तो बहुत बेकार है भाई, इनके हाथ ही नहीं लगना। मैं थोड़ा सा ऊपर के साइड में जा रहा हूँ, और सुधाकू निकल, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुझे यहाँ पर प्योर कॉर्ड ढूंढने हैं, बिकॉज बहुत कम मिलते हैं वो प्योर कॉर्ड। यहाँ पर अंडे बहुत सारे मिलेंगे। अरे यार ये कितने सारे, यहाँ पर ज़्यादा क्वार्ट्स मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखो वहाँ पर एक क्वार्ट्स दिखा है मुझे, ऐसे बहुत सारे क्वार्ट्स हमें यहाँ पर ही मिल जाने वाले हैं। तो फाइनली मैंने अपना पूरा इन्वेंट्री भर के
बहुत सारे क्वार्ट्स ले लिए, लिटरली मेरे पास 120 क्वार्ट्स आ चुके हैं, जिससे मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा हैवी हो चुका है और मैं बहुत धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा हूँ। स्पॉन पॉइंट्स मेरा बहुत ही ज़्यादा करीब है, बट यहाँ पर जो है ये लोग भी है और मैं मरूँगा भाई, आज मैं मरूँगा बिकॉज ये बहुत बुरा मारते यार, पैल की एच पी बहुत कम करवा देते ये। मेरा लास्ट टाइम अनूबिस को बहुत बुरा मारा था इन लोगों ने। चले अभी इसको मैं डाल देता हूँ इसके अंदर डाल देते हैं भाई। इतने सारे क्वार्ट्स आ चुके हैं ना मेरे पास, देख रहे हो कितने सारी चीज़ें आ गई मेरे पास। एक झटके में जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें लेके आता हूँ मैं। क्या इन लोगों ने अंडा दिया? और भी यार बहुत स्लो काम करती है, बहुत स्लो ये। तो हमारे पास सर्किट बोर्ड बनाने के लिए इनफ चीज़ें आ चुकी है, सर्किट बोर्ड बनाने के लिए लगा देते हैं। हमारे पास पॉलीमर्स भी बहुत सारे आ चुके हैं, सर्किट बोर्ड भी हमारे पास बहुत सारे आ जाएंगे। इतने आ सकते हैं, 30 सर्किट बोर्ड्स में बना सकता हूँ अब भी। आप सोच रहे हो कि मेरी हेल्थ इतनी कम क्यों हो गई, तो फॉल डैमेज, बिकॉज मैंने सोचा अगर मैं डायरेक्टली नीचे चला जाऊँगा तो मुझे ज़्यादा जल्दी में नीचे आ सकता हूँ, तो वही ट्राई करने की कोशिश की, बट मेरा फेल हो गया वो आइडिया और मैं बहुत बुरी तरीके से मरा। मुझे लगा मैं मर गया अभी, बट पता नहीं कैसे बच गया मैं। मेरी हेल्थ वैसे भी रिकवर हो जाएगी। चलो यार, इन लोगों ने ब्रीड नहीं किया भाई अभी तक, ये ब्रीड बहुत ज़्यादा स्लो कर रही है, लिटरली बहुत ज़्यादा स्लो। इनकी ब्रीडिंग अभी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, बट अभी तक ब्रीड नहीं कंप्लीट करे। मैंने इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट करते समय मैंने कॉर्ड भी तोड़ के लेके आया, उसके साथ सल्फर भी मैंने लेके आया, बट यार इनकी ब्रीडिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी खत्म हो रही है, अब अंडा मिलेगा मुझे? अंडा मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। चलो प्लीज 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 यार, इससे पैसिव स्किल्स बहुत अच्छे मिले, टीम मिलता है हर बार। चलो कोई ना, इस तरीके से हमें बहुत सारे और भी ब्रीडिंग करनी पड़ेगी, तब शायद से 1% चांस है कि हमें एक अच्छा सा पैल मिले। तो अभी हमारे पास फाइनली आ चुका है शेडो विक, बट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्लम्सी है और वेल ऑफ डार्क है, ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती। बट आपसे लोग पता चल गया होगा कि इनको कैसे ब्रीड करना है और कैसे आपसे लोगों को ये ब्रीडिंग मिलने वाली है। इवन अभी हम करने वाले हैं कमेंट वाली ब्रीडिंग। तो यहाँ पर एक कमेंट आई थी मुझे एक बंदे की, तो यहाँ पर इसका नाम है शूप 801। यहाँ पर इस बंदे ने मुझे बोला था मैमोरस और अजूरोप इन दोनों की ब्रीडिंग कर दो। तो मेमोरिस और अजूरोप देखना पड़ेगा मुझे कौन है। मेमोरिस तो मुझे पता है, मेमोरिस मेरे पास अवेलेबल भी है, तो इसको निकालते हैं। अजूरोप यहाँ पर कौन है मुझे चेक करना है। सो हाँ, मुझे पता चल गया अजूरोप कौन है, आपसे लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो वो पानी वाला पोकेमॉन होता है, उसके साथ हमें ब्रीडिंग करवानी है। मुझे एक्चुअली नहीं पता इससे क्या मिलेगा, बट यार ठीक है, पता चलेगा वैसे भी। अजूरोप चाहिए, देखो अजूरोप, तो ये अजूरोप चाहिए हमें। तो इन दोनों में से कोई भी निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पर। अरे यार ये दोनों मेल है, और चलो ये एक फीमेल है, इसको निकालते फिर, इसको निकालता हूँ मैं। ये दोनों मेल और फीमेल आ जाएंगे और मुझे इन दोनों को निकालना है यहाँ से और यहाँ पर डालना है ब्रीडिंग के लिए। देखते हैं यहाँ पर इन दोनों से हमें कौन सा पोकेमॉन मिलता है। एक तो ये ग्रास वाला पोकेमॉन है, एक वाटर वाला पोकेमॉन है, और दोनों के एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इवन साइज भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो पता नहीं इससे कौन सा पोकेमॉन मिलेगा, बट देखते चेक करते। मेमोरिस्ट आ जा भाई, ब्रीड कर ले इससे, देखते यहाँ पर कौन सा पोकेमॉन हमें मिलता है शुभम के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा बिकॉज इनकी ब्रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्लो चलती है। ओ ये रहा इलेक्ट्रिक फर्नेस, ये कितना बड़ा है, ठीक है ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इसको मुझे शायद से इधर लगाना चाहिए, इसके सामने में ही इधर लगाते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस। बना अनुबिस मदद कर भाई, इतने लोग लगे फिर भी 32 मिनट बता रहा है ये, मतलब अगर सिंगल भी करने जाओ ना तो कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फर्नेस है, मे बी ये इलेक्ट्रिक से चलेगा, इसके लिए हमें कोई भी पैल की जरूरत नहीं लगेगी, मे बी तो ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें बना के दे देगा। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। चलो ये हो गया हमारा कंप्लीट, और इसके अंदर बनेगा अभी पैल मेटल इनगट, इसके लिए और पैल। अरे भाई कितना सिंपल इसको बनाना, इतना सिंपल। हमारे पास और की तो भाई भरमाट पड़ी है पैल्डियम इनगट्स, तो भाई आप पैलगम फ्रेगमेंट्स तो यार इजीली इतने बना सकते हैं ना यार, स्टोन से पैल्डियम फ्रेगमेंट मिल जाते बहुत सारे, और भी हमें बहुत सारे मिल रहे हैं, इजीली हम पैल मेटल बना सकते हैं गाइस। चलो एक बार देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से वर्क करता है। 102 तो हम इजीली, मुझे ये बताओ इलेक्ट्रिक से चलता नहीं तो ये पैल क्यों बना रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी से बननी चाहिए थी ना यार, ये इलेक्ट्रिक फर्नेस ही आ रही है भाई, तुम पहल से काम करवा रहे हो, ये बेचारा कब तक बांस मारेगा, इसकी हालत तो भाई अभी से खराब हो रही है, और इतना स्लो बन रहा है यार पहल मेटल इनगट, सीरियसली भाई इतना दिमाग खराब हो जाएगा मेरा, इतनी जल्दी इतना स्लो काम कर रहा है ये। ओके
किचन भी यहाँ पर बनेगा हमारा। किचन बनाने के लिए क्या चाहिए, किचन बनाने के लिए सारी चीज अवेलेबल है। इसको भी यहाँ पर ही लगाते हम इस जगह पे। बनाओ गाइस, नहीं नहीं मत बनाओ, थोड़ा पीछे लेना है। और अब सही है, अब बनाओ। अनुबिस मदद कर, इतने लोग बड़े भाई फिर भी ना इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। और यार लिटरली यार अगर इस तरीके से स्लो काम होता होगा ना भाई, तो मुझे नहीं लगता यार ये इतनी जल्दी चीजें बना भी पाएंगे। सीरियसली भाई कितना स्लो काम चलता है। ओ बाप रे, इवन यहाँ पर पिज्जा भी बनेगा। सीरियसली इतनी सारी चीजें यहाँ पर, हॉट मिल भी बनेगा यहाँ पर भाई, मशरूम भी यहाँ पर। सीरियसली बहुत सारी चीजें यार। चलो हमारे पास दो दो जो है यहाँ पर फर्नेस आ चुके हैं। अभी देखना पड़ेगा इनकी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं अभी, बिकॉज है ना ये बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा। और वहां पर चल रहा है भाई, तुम लोग यहाँ पर काम कर रहे हो, ठीक है। तो एज पर शुभ के हिसाब से हमारे पास एक अंडा आ चुका है जो कि लार्ज फ्रोजन एग है। अब यहाँ से मुझे तो इतनी गारंटी पता चल चुकी है कि यहाँ से हमें लार्ज फ्रोजन से कुछ फ्रोजन वाला पोकेमोन मिलने वाला है जो कि है स्वेपा। नहीं नहीं रुको 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 भाई, ना निकलो ऐसे, तुम स्वेपा नहीं चाहिए भाई हमें। शुभ तुम्हारे इसे स्वेपा मिलता है। अरे यार इसको ब्रीडिंग मुझे ज्यादा अच्छे लगे के वो भाग निकल से। स्वेपा मिलता है इससे, स्वेपा ठीक है। तू भी निकल अभी, नहीं तू भी निकलने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मैं केक निकाल देता हूँ, केक काम की चीज है। चलो अभी चलते हैं यहाँ पर, फटाफट से इसके अंदर डाल देता हूँ जिससे कि हमारा केक वगैरह यहाँ पर खराब ना हो। और बाकी केक तो यहाँ पर ही है अंदर में, जो कि कतार हो चुका है बट हमने निकाला नहीं अभी तक। तो गाइस आज के एपिसोड के अंदर हमने लिटरली बहुत सारी चीजें करी है, इवन ब्रीडिंग के साथ साथ एक बॉस फाइट भी करी है। हमने ब्रीड किया एस्ट्रॉन्ग को, शैडो बिग को ब्रीड किया, बट हमें उससे थोड़ा बहुत अच्छा वाला पोकेमोन नहीं मिला है। बट यार थोड़ा बहुत ऑफलाइन में थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग करूंगा, इनको थोड़ा बहुत हैच करूंगा, ब्रीड करूंगा, उससे हमें थोड़ा बहुत तगड़ा वाला जो है एक शैडो बिग चाहिए और इवन एस्ट्रॉन्ग भी चाहिए। ये दोनों पोकेमोन तो चाहिए ही चाहिए। उसके साथ साथ आज हमने लिली और लाइलेन से फाइट करी थी, तो लाइलेन अभी तक हमारे पास नहीं आई है। तो अभी उसको पकड़ने के लिए शायद से मुझे वही आइलैंड के अंदर जाना पड़ेगा, वहां पर ही हमें लाइलेन मिलेगी, उसको भी कैप्चर करना है बिकॉज ब्रीडिंग तो उसके भी करनी पड़ेगी यार। क्या पता खतरनाक सा पोकेमोन मिल जाए हमें इसके अंदर। तो गाइस अगले एपिसोड के अंदर हम और भी टॉप लेवल की चीजें करने वाले हैं, बॉस फाइट के साथ साथ खतरनाक वाली पोकेमोन्स की ब्रीडिंग करने वाले, जिससे आज तगड़े वाले पोकेमोन्स हमें अगले एपिसोड के अंदर मिलने वाले। तो या गाइस अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।